ईद तो होगी राधे की, लेकिन फिल्म में सलमान खान का लुक कैसा होगा, इसका हो चुका है खुलासा। बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान की फिल्म दबंग 3 अभी रिलीज भी नहीं हुई कि भाईजान ने 2020 में ईद के मौके पर रिलीज होने वाली अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान कर दिया है। खास बात तो ये है कि फिल्म की शूटिंग भी अब शुरू हो चुकी है। हाल ही में सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे का लुक सामने आ चुका है। वीडियो में सलमान खान का लुक काफी जबरदस्त लग रहा है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे के सेट से इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। भाईजान के इस वीडियो पर फैंस काफी कमेंट कर रहे हैं और उनके नए लुक की तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें, बजरंगी भाईजान में बजरंगी बनने के बाद अब सलमान खान इस बार ईद पर धमाल मचाने को तैयार है, वो भी फिल्म राधे के साथ। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने अपनी इस फिल्म को लेकर बातचीत भी की थी। इस इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा था, ईद पर फिल्म जरूर रिलीज होगी। पहले प्रभु देवा के साथ दबंग 3 20 दिसंबर को रिलीज होगी और इसके बाद एक और फिल्म ईद पर भी आएगी, लेकिन इस फिल्म का नाम राधे नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रभु देवा के साथ फिल्म बनाने से पहले सलमान खान संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह के जरिए ईद पर धमाल मचाने वाले थे, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते सलमान खान ने उस फिल्म से किनारा कर लिया है। हालांकि अब ईद राधे के लिए फैंस का एक्साइटमेंट काफी दोगुना हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा साथ में नजर आने वाले हैं दबंग 3 में। ये फिल्म रिलीज होगी 20 दिसंबर को और फैंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं।